हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स देखिए, आज का सेशन में हम डिस्कशन करेंगे टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन पेपर, जो कि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो पाएगा आप 2021 के लिए सेंट्रल बेड का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन को। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट। तो टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड में आपको बहुत सारे असाइनमेंट मतलब करने के लिए बोला जाता है, सेशनल वर्क बोला जाता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे टाइम एंड वर्क उसको रिलेटेड करके। तो देख सकते हो, मान लीजिए आपको टोटल 40 यहाँ पर असाइनमेंट दिया गया है और आपको 5 डेज का समय दिया गया है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का जो आपका कंसेप्ट रहता है, केवल एक ही कंसेप्ट में आपका बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, जो कि फ्रेंड यहाँ पर हम बोलेंगे आपको। तो आपको असाइनमेंट 40 दिया गया है और आपको 5 डेज का समय दिया गया है, तो आप एक दिन में कितना असाइनमेंट कर लोगे? तो यहाँ पर हम देखें तो फ्रेंड्स, आपको 8 सेशनल वर्क आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यहाँ पर असाइनमेंट ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क के हिसाब से देखो तो फ्रेंड्स, आपको मान लीजिए आपको 40 वर्क यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर 40 आपका वर्क हो गया। तो यहाँ पर 5 डेज जो आपका समय दिया गया, यहाँ पर समय हो गया, जो कि यहाँ पर टाइम हो गया। और जो 8 यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर हम बोलेंगे इसका 1 डे वर्क, मतलब आप एक डेज में 8 सेशनल वर्क यहाँ पर नहीं करोगे तो आपका यहाँ पर सभी वर्क ख़त्म नहीं होगा। तो 40 को यहाँ पर हम टोटल वर्क मान लेंगे और 5 जो यहाँ पर हो गया टाइम हो गया, और यहाँ पर 8 जो आया है फ्रेंड्स, ये 1 डे का वर्क। तो 1 डे का वर्क जो यहाँ पर हम डिस्क्राइब करें तो 1 डे का वर्क यहाँ पर आपको बोल सकते हो एफिशिएंसी, मतलब आपका क्षमता, मतलब 1 डे का क्षमता यहाँ पर हम बोलेंगे। तो 1 डेज में आप 8 सेशनल वर्क नहीं कर पाए तो आपका टोटल वर्क यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो जिसका इसका जो फॉर्मूला होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, मतलब आपका यहाँ पर टोटल आपको जितना भी टाइम दिया गया था, एफिशिएंसी मतलब आप एक डेज में कितना काम कर सकते हो, ये एफिशिएंसी हो गया। और वर्क, तो जितना समय आपको दिया गया उसके साथ आप एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको आप यहाँ पर इंटू करने से आपका टोटल वर्क यहाँ पर आता है। तो इसका एक फॉर्मूला हो गया टाइम एंड वर्क। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, देख सकते हो, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला कि देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टुगेदर टू कम्प्लीट द वर्क। मतलब देखिए, एक ए जो है किसी भी वर्क को 40 डेज में कर लेता है और बी जो है किसी भी वर्क को 60 डेज में कर लेता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर उसी वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। और फिर देखिए, यहाँ पर आपको और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना होगा, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो टाइम इंटू एफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क हो गया। तो यहाँ पर हम निकालें तो एफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जो है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम करने से आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। और फिर देखिए, यहाँ पर हम टाइम निकाले तो केवल यहाँ पर आपको टाइम जब पूछेगा तो टाइम का क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी आप निकालोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। तो इसमें मतलब आपको समझना होगा इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पर हम देखें तो आपको पहले लिखना होगा, देख सकते हो, ए जो है किसी भी वर्क को 40 डेज में कर लेता है, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर बी जो है किसी भी वर्क को 60 डेज में कर लेता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको टोटल वर्क दिया नहीं गया है, तो टोटल वर्क आपको निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। 40 एंड 60 का एलसीएम होता है फ्रेंड्स 120। आपको नहीं आता है तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो 40 एंड 60 का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आप 20 ले सकते हो, 22 जा 40 और 23 जा 60। तो एलसीएम आपको निकालने के लिए इन तीनों को आपको इंटू करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 2 40 इंटू 3 120, तो ऐसे आप ले सकते हो एलसीएम। तो एलसीएम के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इसका हो गया टोटल वर्क ये हो गया 120। तो टोटल वर्क हो गया यहाँ पर 120। तो बाद में आपको यहाँ पर 1 डे का वर्क निकालना होगा, तो एफिशिएंसी आपको निकालना होगा। तो एफिशिएंसी कैसे आप निकाल सकते हो, जो कि होगा
वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम जो है आपका समय है 40 दिन यहाँ पर आपको दिया गया था। तो वन डे वर्क यहाँ पर आपको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल वर्क जो है 120, तो एक का मतलब वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 40, तो इसका आ जाएगा 3, और बी का जो है 120 डिवाइडेड बाय 60, इसका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि देखिए दोनों मिलाकर उसी वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो दोनों मिलाकर उसी वर्क मतलब एक दिन में कितना वर्क यहाँ पर करेंगे, दोनों मिलकर 5 वर्क कर लेंगे। तो आपका टोटल वर्क है 120, तो 120 वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, एक दिन में 5 वर्क करें, तो एफिशिएंसी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, कितने दिन, तो डेज के मतलब आपको टाइम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो आपको ऑलरेडी हम आपको बता दिया है, तो 120 डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा 5, तो वन डेज का वर्क है 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24, तो 24 डेज में उसी वर्क को ख़त्म कर लेंगे दोनों मिलाकर। तो ऐसे आप कर सकते हो, देख सकते हो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 24, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और एक बार आप घर में यहाँ पर आप कर सकते हो फ्रेंड्स आपके प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको बोला कि देखिए ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी एलोन कैन डू इन दी 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन डू इट। तो यहाँ पर हम देखें तो ये अलग कंसेप्ट हो गया, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन के साथ साथ अलग अलग कंसेप्ट भी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको लिखना होगा ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी आप लिख सकते हो, ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, और बी एलोन कैन डू ए वर्क इन दी 30 डेज। तो यहाँ पर आपको निकलना होगा, देख सकते हो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपको निकलने के लिए आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, तो 20 एंड 30 का जो एलसीएम होता है फ्रेंड्स यहाँ पर आप 60 ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको वन डे वर्क निकलने होगा जो कि एफिशिएंसी होता है, और एफिशिएंसी हो गया तो ए एंड बी का जो एफिशिएंसी होगा कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 20 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, जो कि ए प्लस बी का ये मिलकर है, और बी का यहाँ पर हम निकले तो यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 30, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो फ्रेंड्स ए का कितना आएगा, ए एंड बी मिलाकर 3 आ रहा है, और बी का केवल 2 है, तो ए का आ जाएगा 1, तो ए का आ जाएगा 1। तो आपको यहाँ पर बोला कि देखिए इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन डू इट, मतलब उसी 60 वर्क को ए एलोन कितने दिन में ख़त्म कर लेगा। तो आपको क्या निकलना होगा, कितने दिन, मतलब आपको जो फॉर्मूला के हिसाब से टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, तो यहाँ आपको आपको टाइम निकलना होगा, तो आपको एफिशिएंसी को यहाँ पर डिवाइड करना होगा, तो 60 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी 1 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 1, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 करने से आपका आ जाएगा 60 डेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी, तो 60 डेज इसका सही आंसर है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक अलग कंसेप्ट हो गया, इस कंसेप्ट में हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे देखते हैं फ्रेंड्स। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली, टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज बी लेफ्ट फ्रॉम द वर्क एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, हाउ लॉन्ग विल ए एलोन द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पर आपको बोला कि देखिए ए एंड बी जो है रेस्पेक्टिवली ए जो कर रहा है 12 डेज में कर रहा है, और बी जो है 15 डेज में किसी भी वर्क को कर लेता है। तो यहाँ पर आपको टोटल वर्क फर्स्ट निकलना होगा, जैसे कि हम दो क्वेश्चन में यहाँ पर कर लिए हैं, तो टोटल वर्क आपको यहाँ पर निकालने के लिए 12 एंड 15 का एलसीएम लेना होगा, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स 60 आप ले सकते हो। तो आपको एलसीएम आप देख कर भी ले सकते हो कैसे, जो कि आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि 12 में भी चला जाएगा 15 में भी चला जाएगा, जो कि उसका करीब ही होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो वन डे वर्क यहाँ पर आपको निकालना होगा, तो ए का वन डे वर्क कितना आ जाएगा, वन डे वर्क आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको वन डे वर्क और एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हो, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो गया टाइम जो कि डेज यहाँ पर आपको दिया गया है, तो 60 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा ए का, और बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 4। बट यहाँ पर आपको बोला कि देखिए टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तो दोनों मिलकर यहाँ पर स्टार्ट किए हैं किसी भी काम उसी काम को, और यहाँ पर बी यहाँ पर लेफ्ट मार दिया है, तो दोनों मिलाकर 5 डेज तक यहाँ पर काम किए हैं, तो एक डेज में दोनों मिलाकर 9 काम करते हैं, तो 5 डेज में कितना काम कर रहे होंगे, तो 5 × 9 यहाँ पर हम कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा 45, तो दोनों मिलाकर 45 वर्क ऑलरेडी कर चुके थे, फिर
बी चला गया है, तो 60 से यहाँ पर 45 यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। तो 15 वर्क अभी भी बचा है, बट उसी वर्क को केवल ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए का वन डे वर्क है 5। तो 15 वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, तो यहाँ पर हम निकाले तो 15 / 5, तो इसका आ जाएगा 3 डेज। तो उसी वर्क को ए जो है 3 डेज में ख़त्म कर लेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको बोला कि देखिए ये सब कुछ अलग अलग कंसेप्ट का है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए जो है किसी भी वर्क को 20 डेज में कर लेता है और बी जो है किसी भी वर्क को 12 डेज में कर लेता है। और यहाँ पर आपको बोला कि देखिए बी वर्क एट फॉर 9 डेज एंड देन लीव्स। तो यहाँ पर केवल बी यहाँ पर चला गया है, यहाँ पर आपको टुगेदर नहीं बोला है, केवल बी 9 डेज काम किया है और चला गया है। इन हाउ मेनी डेज ए एलोन द फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पर आपको बोला गया तो 12 and 20 का आपको यहाँ पर फिर आपको एलसीएम लेना होगा। कैसे आप देख सकते हो 12 and 20 का यहाँ पर आप 4 से ले सकते हो, 4 × 5 = 20, यहाँ पर 3 चला गया, तो 20 × 3 = 60। तो इसका भी आ जाएगा आपका एलसीएम जो आ जाएगा टोटल वर्क, यहाँ पर हम बोले तो टोटल वर्क आपका यहाँ जाएगा 60। तो एफिशिएंसी आपको निकलना होगा, वन डे वर्क जो है एक आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा और बी आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाले तो देख सकते हो बी वर्क फॉर 9 डेज, तो बी जो है 9 डेज तक काम किया है, तो 9 डेज में वो कितना काम कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम निकाले तो बी का जो है वन डे वर्क है 5, तो 9 डेज यहाँ पर काम किया है, 9 × 5 = 45 हो गया। तो 45 को यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे 60 से और 15 काम यहाँ पर बचा है। तो उसी 15 काम को यहाँ पर केबल की कौन करेगा, ए करेगा। तो 15 / कितना हो जाएगा, ए का जो है वन डे वर्क 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 डेज, मतलब उसी रिमेनिंग वर्क को 5 डेज में जो है ये ख़त्म कर लेगा। तो इसका राइट आंसर है 5 डेज। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ये अलग कंसेप्ट के साथ यहाँ पर हम देखेंगे। तो देख सकते हो ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 25 days and 20 days रेस्पेक्टिवली, ए वर्क इट फॉर 10 डेज एंड देन बी ज्वाइन विथ हिम इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि देख सकते हो ए जो है कि उसी वर्क को 10 डेज ऑलरेडी कर चुका होगा, बाद में यहाँ पर बी आया है। तो यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो देख सकते हो ए जो है किसी भी वर्क को 25 डेज में कर लेता है, बी जो है किसी भी वर्क को 20 डेज में कर लेता है। तो इसका जो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप निकाल लेना इसका एलसीएम जो होता है, और वन डे वर्क यहाँ पर हम निकाले तो यहाँ पर ए का आ जाएगा 4 आ जाएगा और बी का आ जाएगा 5। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है ए काम कर लिया है 10 डेज, तो 10 डेज में कितना काम कर लिया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ए का जो है वन डे वर्क है 4, तो 10 डेज में कितना काम कर लिया होगा, 10 × 4, तो 40 वर्क ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर देखे तो 100 से यहाँ पर हम 40 निकाल ले तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, तो 60 और यहाँ पर बचा है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कम्प्लीटेड। तो 60 वर्क को दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, ऑलरेडी 10 डेज खत्म, मतलब 10 डेज का वर्क हो गया है। तो 60 वर्क को दोनों मिलकर कितना करेंगे, मतलब ए का जो है ए का जो एफिशिएंसी था 4 और बी का जो था 5, तो टोटल हो गया 9। तो 60 वर्क को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, यहाँ पर 20 × 3 = 9, तो 20/3। तो 20/3 को हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 6 whole 2/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 + 2 = 20/3, तो 6 whole 2/3 ऑलरेडी 10 डेज का यहाँ पर काम हो चुका है। तो फिर यहाँ पर 6 whole 2/3 का काम हुआ है, तो दोनों को हम मिला ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ जाएगा 16 2/3। तो इसका आ जाएगा 16 2/3 डेज यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको वर्क को कंप्लीट करने में यहाँ पर लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 16 whole 2/3 इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन में इतना ही क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। आपके लिए कुछ होमवर्क है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो
और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिख सकते हो। एवं यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो। इस सेशन में इतना ही था फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।